कैसी पार्टी है ये, कितनी खतरनाक पार्टी है ये, कितना जहर कितनी नफरत बनी भरी है इनके मन में। पहले मुसलमानों को गाली दिया, फिर सिखों को गाली दिया, फिर ईसाइयों को गाली दिया, फिर बौद्धों को गाली दिया, फिर जाटों को गाली दिया, फिर मराठों को गाली दिया, फिर किसानों को गाली दिया, फिर पहलवानों को गाली दिया, अब अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अरे अयोध्या में भगवान श्री राम ने तुमको हराया है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने का काम किया है, क्योंकि भगवान श्री राम का संदेश था कि मुझे रावण का भी अहंकार पसंद नहीं है, मोदी का अहंकार तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतना अहंकार, क्या गाना गा रहे थे भाजपाई, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। भगवान श्री राम की इतनी छोटी फोटो, मोदी जी की इतनी बड़ी फोटो, मोदी जी बड़े भगवान बन गए थे, उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे। और मैं अवध का ही रहने वाला हूं, सुल्तानपुर कुशभवनपुर जिसको कहते हैं, राम पथ गमन मार्ग है एक, राम पथ गमन मार्ग अयोध्या से लेके चित्रकूट तक। तो अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, प्रयागराज हारे, कौसाम्बी हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, सभी जगह इनका सफाया हो गया, सफाया। और मैं कहता था चुनाव के पहले कि भाजपाइयों हर जगह भ्रष्टाचार करना, प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी मत करना। मैंने समझाया था भाजपाइयों को, मैंने कहा था भाजपाइयों अगर हमारे गांव में कोई मंदिर का पैसा खा लेता है, पूरे सारे लोग मिलके उसका बहिष्कार करते हैं। अयोध्या के लोगों ने देखा भगवान श्री राम के नाम पे लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, वहां से इनका सफाया करने का काम किया, बोले चंदा चोरों की खैर नहीं है, चंदा चोरों की खैर नहीं। क्या कह रहा था इनका एक प्रवक्ता, कहता है भगवान जगन्नाथ जो है वो नरेंद्र मोदी के भक्त है। संबित पात्रा ने कहा गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, कहा ना, कहा, कहने लगा भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त है। मैं उड़ीसा में रहा हूं, उड़ीसा के लोग जो है हमारे वो कहते हैं जगत रो नाथ हो जगन्नाथ हो, पूरे जगत के नाथ है भगवान जगन्नाथ। और मोदी जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा साहब ने कहा अरे मोदी जी तो देवताओं के देवता हैं, और सब कुछ छोड़ दीजिए, मोदी जी ने कहा मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, मैं अवतार हूं, अवतार। बताइए आप, यहां आतिशी जी बैठी हैं। अब अगर मान लीजिए पानी से संबंधित कोई समस्या हो गई तो हम तो आतिशी जी को खोजेंगे ना, हाड़ मास का एक व्यक्ति चाहिए जिससे हम बात करें। स्वास्थ्य से संबंधी अस्पताल की कोई समस्या हो गई तो हम हाड़ मास का कोई बना हुआ आदमी सौरभ भरद्वाज जैसा खोजेंगे। अब मान लीजिए अवतार होते तो हम इनको कहां खोजते। अब हम लोग जाएंगे प्रतिनिधि मंडल लेके, सांसदों का हमारे साथ संदीप पाठक होंगे, सब लोग मिलके जाएंगे कि भाई किसानों को एमएसपी दो, किसानों को एमएसपी दो। बोले भगवान से तो आप मिल ही नहीं सकते, वो तो अवतार है, जब मन होगा उनका आएंगे। तो प्रधानमंत्री जी हमारे अवतार है, अवतार है। 240 पे रुक गए हैं, और आज मेरी बात नोट कर लेना, एक सरकार एनडीए की चली थी 13 दिन, दूसरी चली थी 13 महीने, उससे पहले मोदी जी की विदाई होनी है मोदी जी। बैसाखी सरकार लेके चल रहे हैं, विदाई होना तय, अभी से फूफा लोग नाराज होना शुरू हो गए, फूफा लोगों की नाराजगी शुरू हो गई। बोले काहे नाराज, बोले कुछ दिया नहीं, बोले क्या नहीं दे, बोले एक को मच्छी दे दिया, एक को जहाज दे दिया। तो बोले जहाज तो अच्छा होता, बोले जहाज तो है ही नहीं भारत सरकार के पास,
तो बोले किसके पास, बोले सब प्राइवेट वाले लेके चले गए, टाटा वाले। तो बोले जहाज में हवाई अड्डा तो होगा, बोले नहीं तो अडानी लेके चला गए। तो जहाज विभाग किसी काम का नहीं, मच्छी विभाग किसी काम का नहीं,